किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो के साथ में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही शानदार गन्ना खड़ा हुआ है। ब्यात देख लो जी, एक ही झुंडे में से कम 15-15, 20-20 गन्ने जम रहे हैं। थोड़ी सी जानकारी लेंगे किसान भाई से। भैया नमस्कार। नमस्कार जी। भैया छोटा सा परिचय करवा दो। नाम विशाल ठाकरान, ग्राम चांदपुर, जिला मुजफ्फरनगर। अच्छा जी, ये बीज कौन सा जी अपना? 13-235 जी। इतना शानदार कैसा हो गया? पेड़ी है जी, रटून लगी। अच्छा, पिछले साल जो है इसमें वीडियो बनाई थी हमने। हाँ, बनाई थी जी, बोर्ड में। जी, तो बोहेर कैसी निकली इसकी? बढ़िया निकली जी। अच्छा निकला गन्ना। अच्छा, तो कुल मिला के जैसे पिछले साल बोहेर थी, अब इस बार पेड़ी है, लागत लगा के, लागत हटा के उत्पादन कैसा है इस बीज का? किसानों को क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? देखो, 38 जितनी लागत तो देनी पड़ेगी। 38 जितनी, उससे कम पे नहीं होगा ना? अब तो खेतों की आदत पड़ लीजिए। अच्छा, मतलब लोगों ने ज्यादा ओवरडोज कर करके खेतों की आदत बिगाड़ दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जैसे बात करेंगे इस पर, आपने मिट्टी चढ़वा दी। हाँ जी। तो इसकी कटाई कब करवाई थी? इसकी कटाई होगी कोई मार्च में। तो फिर इसमें RMD करा दिया। हाँ जी। और RMD के बाद में इसमें मतलब क्या करवाया फिर उसके बाद में? इसमें कुछ नहीं, बस बड़े ट्रैक्टर से एक खुरपा तार टीलर का जुताई करवाई थी इसकी। मतलब दोनों तरफ से जुताई कर दी? बड़े ट्रैक्टर से ही कर दी थी, बड़े टीलर से ही। अच्छा, एक खुरपा उतार के बीच सेंटर वाला। हाँ, बीच सेंटर। ठीक है, RMD के बाद में। हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद में फिर खाद गिरा जी इसमें। खाद? हाँ। खाद में कौन कौन सी डोज लगाई? खाद में वही अपना रामबाण, यूरिया, डाई, पोटास। अच्छा, वही। तो मात्रा कितनी रखा करो इनकी बीघे के हिसाब से? मात्रा तो अपना खेत है, थोड़ा मोटी फालतू भी चल गया। जो है इसमें इंसेक्टिसाइड भी मिलाया कुछ नहीं? फटारा वगैरह का यूज नहीं करते? अभी नहीं करा जी। अच्छा, अभी नहीं करा ना? उसे कब करोगे? अब का तो हम करते नहीं जी, पेड़ी में नहीं करो ना, बोर्ड में। तो स्प्रे से रोक दो, सब कंट्रोल कर दो स्प्रे से। बहुत बढ़िया। अब यूरिया का तो पूरा कट्टा लगाऊंगी जी। अच्छा। और उनका तो बीघे में 5 किलो 6 किलो उस हिसाब से। हाँ ठीक। तो यहाँ जो बीघा है वो कितने मीटर का बैठा है? 816 का गज का बैठता होगा। हाँ है ना। तो उस हिसाब से बीघा 5 बीघे का तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ये मिट्टी चढ़वाई, मिट्टी चढ़ाने के समय क्या डोज डाल ली? मिट्टी चढ़ाने के समय यही चारों चीज सेम मात्रा। हाँ। अलग से कोई जाइम वगैरह? अलग से हमने गन्ना स्पेशल लगाया था जी। अच्छा, गन्ना स्पेशल। उसका रिजल्ट अच्छा है? हाँ, बढ़िया जी, फुटाव करा है बहुत। अच्छा, जो मतलब और आवे हैं अलग से, जैसे सागरी का है, तो बहुत चीज आ रही है। ऐसे तो बहुत चीज आ रही है। हाँ, चीज बहुत है। लेकिन आपने क्या लगाया? हमने गन्ना स्पेशल लगाया, लैपिडोज लगाई। अच्छा, लैपिडोज। लैपिडोज जो है किस चीज की है? अडामा की। अडामा लैपिडोज जो है दानेदार दवाई है। दानेदार। तो उसका रिजल्ट अच्छा है? बढ़िया जी। हाँ। तो एक तरह की ये मानो फटेरे की तरह ही है। फटेरे की तरह गया। बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के गन्ना अच्छा है। किसान भाइयों से क्या कहना चाहोगे 13-235 के बीज के बारे में? 38 के मुकाबले तो बढ़िया ही है जी, बीमारी के हिसाब से। और पैदावार क्या रही? पैदावार भी ठीक है, सेम 38 जितनी, मतलब उतनी निकल जाएगा। तो अब ये आपने चौड़ाई कितनी रखी इसकी? 58 इंच। सिंगल आंख की बुआई थी? नहीं, सिंगल आंख की नहीं जी, डबल की। तो डबल आंख 58 इंच में अच्छा उत्पादन खेत ने दिया। सिंगल आंख तो हम बोते ही नहीं, डबल ही बो सारा। तो बुआई के समय ट्रीट करते होंगे? हाँ, खोड़ में करते हैं जी, स्प्रे करते हैं। अच्छा, मतलब शुरू में स्प्रे कर दो फंगीसाइड की, इंसेक्टिसाइड की। बहुत बढ़िया। तो कोई जो किसान कुछ भाई मेरे डरे जहाँ के 13-235 बुआई अगर हम करेंगे वो फुटाव ले जाएगा, उत्पादन सही नहीं देने का, उसमें जो है ब्लैक स्मट की ज्यादा बीमारी है, तो ऐसा कुछ नहीं? ब्लैक स्मट की, अगर ब्लैक स्मट यहाँ आ गया जी जी तो इससे प्रॉब्लम नहीं जाने का, वो यहीं रहेगा, उसको चाहे पाड़ के घेर दो या उसका इलाज जो है यहाँ से पाड़ के उसे इधर घेर दो। अच्छा, नहीं तो ऐसा नहीं कि वो पूरे खूड में चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अगर तो जहाँ आ गया वहीं रहेगा, जो पेड़ संक्रमित है वो उसमें ही रहेगा। हाँ, वो अलग नहीं जाने नहीं जानेगा। और हमने तो ऐसा भी देखा खुद अपना पर्सनली, जिन खेतों में हमारे ब्लैक स्मट आया और हमने स्प्रे कर दी, वीडियो भी हमने अपने किसान की सोच चैनल पर दिखाई है, वो वहीं रुक गया और नई गोब निकल गई। ऐसा भी हुआ? ऐसा होता होगा जी, लेकिन ये कि ब्लैक स्मट अगर इस मैडे में आ गया जी तो इसी में रहेगा, फैलता नहीं। बहुत बढ़िया। जो तो अंधविश्वास है कि वो फैल जाएगा, सारे में पहुंच रातों रात फैल जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया।
तो किसान भाइयों वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी और गन्ना भी आपको अच्छा लगा होगा। किसान भाई ने जो है काफी मेहनत कर रखी है, हमारी तरफ से किसान भाई को बहुत बहुत सम्मान आभार के किसान भाई जो है बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को विराम देंगे। अच्छा जी, अच्छा जी।